ये सब एरिया ना पूरा एलिफेंट कॉरिडोर भी है जहाँ से हम लोग चला रहे हैं। ये हिमालयन था एकदम सामने, ये हिमालयन था एकदम पीछे। निकलते तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंट हैव द राइट ऑफ वे, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। कचरा कचरा, सड़क पर चलने का प्रथम अधिकार वन प्राणियों का है। BMW 850 GSA लेने के बाद मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें पहला जो क्वेश्चन आया, अब ये हिमालयन 450 का क्या करोगे, इसे बेच दोगे? जब BMW लेना ही था तो फिर कुछ दिन पहले ही हिमालयन क्यों लिया? ये सारे क्वेश्चंस भर गए मेरे कमेंट सेक्शन से। तो आज है 12th of July, मस्त मॉनसून वाला दिन है, एकदम खतरनाक, पूरा बादल छाया हुआ है चारों तरफ। हम लोग रेनकोट पहन के निकल गए हैं खड़गपुर से। राइड छोटा सा है, ओनली 100 किलोमीटर का राइड है। यहाँ से डेस्टिनेशन जो है वो पूरा वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा बॉर्डर वाले एरिया में है, एकदम जंगल वाला एरिया सब एक्सप्लोर करने वाले हैं हम आज। सच बताओ तो BMW चलाने के बाद अब मेरे को पता चलता है कि क्या डिफरेंस है। खड़गपुर से निकल के लगभग हम लोग चला चुके हैं 85 to 90 किलोमीटर के आसपास। पूरा रास्ता जो हम लोग को बारिश मिला, मैं कैमरा खोल के रख दिया था। हम लोग को नीचे वाला रास्ता पकड़ना था, हम लोग थोड़ा फ्लाईओवर के ऊपर आ गए। और एक चीज़ है, ये TFT नेविगेशन जो फीचर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, एकदम यूजलेस है। आपको आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑन रखना पड़ता है। आप सोचो ऐसे गर्मी में प्लेन्स में चला रहे हो, आपको ऐसे रास्ते ढूंढने हैं, आप कितना देर मोबाइल का स्क्रीन ऑन रख के आप फिर वहाँ पे नेविगेशन देखोगे? आपका मोबाइल ओवरहीट होगा। आप ऐसे मोबाइल को यहाँ भी नहीं रख सकते हो। आपका अगर कॉस्टली मोबाइल है तो बाइक के वाइब्रेशन से उस मोबाइल का जो कैमरे का सेंसर है वो ख़राब होंगे। चलो आ गए सही रास्ते पे, ऊपर से नीचे थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलाना पड़ा और हमने ले लिया राइट। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 157। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस वाले रास्ते से। नॉर्मली मैं उधर वाले रास्ते से जाता हूँ जो बांदुआन वाला पुरुलिया अगर जाना होता है तो। अभी पुरुलिया नहीं, मतलब कांकड़ा झोर साइड में जा रहा हूँ। हिमालयन मेरे को कहाँ पे चलाना ज़्यादा पसंद आता है? जब पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है, ओ माय गॉड लवली दिस बाइक इज। जब कंट्री रोड स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि रोड्स में अभी चला रहा हूँ ऐसे 2-lane highways पे, यहाँ पे भी बाइक बहुत मस्त है। आपको वो एडिक्वेट पावर मिलता है ओवरटेक करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, कंट्रोल रहता है बाइक पे, एंड यू आर एंजॉइंग द लोअर स्पीड्स विद दिस मोटरसाइकिल, इट इज़ रियली अमेजिंग बाइक। लेकिन हाईवे पे आने के बाद ही ये बाइक मोटरसाइकिल पूरा बोरिंग होने लगता है। हम लोग अभी झारखंड में हैं, धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे। लेकिन ये सारे घर देखो, ये सब पूरा एकदम वो प्रॉपर ओरिजिनल ट्राइबल होम्स है। और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है ओलचिकी, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिखा होता है, वो उड़िया टाइप का ही है लेकिन थोड़ा अलग लेटर्स है। तो बात जहाँ तक हिमालयन सेल करने का है, तो ये मैं बाइक सेल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर पे अभी 3 motorcycles है, एक है क्लासिक 350, एक ये हिमालयन जिसको मैं चला रहा हूँ, और तीसरा है BMW GS 850। तो तीनों मोटरसाइकिल तीनों अलग अलग इंजन कैटेगरीज में आते हैं, तीनों अलग अलग टाइप के मोटरसाइकिल्स हैं। हिमालयन और GS सेम है कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स है, बट द इंजन लीप इज अ ह्यूज डिफरेंस दोनों में। जब भी मेरे को ऐसा छोटा मोटा राइड्स होगा, जब मेरे को ऐसे कंट्री रोड्स पे जाना होगा, ट्रेल्स पे चलाना होगा, तब मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं जाते रहता हूँ, मज़ा आता है हिमालयन चला के मेरे को। लेकिन जहाँ तक BMW का बात है, उसको भी मैं ये सब रास्ते पे चला सकता हूँ, लेकिन BMW को मैं रखूँगा एकदम लंबा जाने के लिए। जब दिल्ली जाना होगा, जब मेरे को लद्दाख जाना होगा, तब मैं उसको लेके जाऊँगा। पूरा पानी के नीचे से जा रहा हूँ मैं। और रोड सब देख रहे हो कि कैसा है, उसी में फार्चूनर घुसा हुआ है देखो। एक बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं आजकल यहाँ पे। तो दिस पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब जहाँ पे हम लोग अभी है, यहाँ पे आके ना जो झारखंड साइड से जितने भी पहाड़ होते हैं ना, वो सब यहाँ वेस्ट बंगाल का एकदम वो कॉर्नर वाले एरिया पे खत्म हो जाते हैं। और ये पूरा एरिया एक टाइम था, आज से 20 साल पहले पकड़ लो, पूरा ट्रेकिंग रूट्स था ये सब। अभी तो फिलहाल चलो इस तरह के रोड्स हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अनडेवलप्ड है, अनटच्ड है ये सब जगह। तो पूरा पहाड़ी इलाका, और ये जितना भी जंगल है ना, सब 7-8 किलोमीटर तक अंदर तक जंगल है। ये पूरा एलिफेंट कॉरिडोर से हम लोग आज चला रहे हैं। तो कांकड़ा झोर जहाँ पे हम लोग अभी है, यहाँ पे पहुँचे मैं पूरा खड़गपुर से हाईवे पकड़ के चला के आया घाटशिला। घाटशिला के बाद वहाँ से राइट टर्न लिया, पूरा गाँव गाँव का रास्ता, और घर सब इतना प्यारा प्यारा भाई,
पूरा एकदम पेंटिंग वेंटिंग किया हुआ, जो सांथाल ट्राइब्स है उनके घर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, वो सारे देखते हुए पूरा ऐसे छोटा छोटा रास्ता पकड़ के हम लोग पहुंच गए थे काकराजोर गेस्ट हाउस। मानसून में ये सब जगह कितना ज़्यादा लश ग्रीन लग रहा है, अगर ये विंटर के टाइम पे आएंगे तो इतना ज़्यादा ग्रीनरी तो रहेगा, ऑफकोर्स ग्रीनरी रहेगा एंड द वेदर विल ऑल्सो बी प्लेजेंट, बट ये जो नया नया जो पत्ता निकलता है ना उसका जो खूबसूरती होता है वो और ज़्यादा मस्त लगता है। ये भी मस्त रिसोर्ट है यार, बढ़िया बढ़िया है, पूरे जंगल जंगल के बीच में मस्त लग रहा है और सब पेड़ भी बहुत पुराने पुराने पेड़ है, साल का जंगल है, अभी तो पहाड़ी वाला एरिया में घुस गए हैं लग रहा है ऐसा। ये सब जगह पे आके ना विंटर में एक बार कैंपिंग करना पड़ेगा, पूरा इतना शांत है, बट विंटर में बहुत हाथी का बहुत डर लगता है यार, हाथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी तो हाथी फ़िलहाल जो ये सब एरिया वाला हाथी है वो सब चला गया उड़ीसा की तरफ, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट विंटर के टाइम पे यही सब जगह पे हाथी आ जाते पूरा। थोड़ा डिस्टेंस बना लेता हूँ इनके साथ, नहीं तो फिर वो स्लो होगा, अचानक से मेरा भी मोमेंटम ख़राब होगा। नहीं, कितना ज़्यादा पेस बनाया उसके बाद भी सबके पास आ गया मैं, मोमेंटम ख़राब हो जाता है ना, गाड़ी मस्त है हिमालयन ये सब रास्ते के लिए। कौन इतना धीरे चला रहा है आगे, कौन है जो धीरे चला रहा है आगे? फुटपेक पे प्रेशर रख के इधर उधर करो पूरा अपना बॉडी बैलेंस, बॉडी से ऐसे मत करो, पैर से हैंडल फ्री रखो, हाथ पूरा ऐसे फ्री रहेगा ठीक है, घूमने दो चक्का जहाँ जा रहा है जाने दो, बस एग्जिट देखना कहाँ से निकलना है, टारगेट फिक्सेशन और कुछ नहीं, कहाँ घुस रहे हो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से निकलना है। इंटरकॉम रहता तो बहुत अच्छा होता है ये सब सिनेरियो पे। डाउन हिल है बॉडी पेछन है देख ले हम आगे, डाउन हिल में बॉडी पूरा पीछे, अपील जा रहे हो तो टैंक में चढ़ जाओ। कचड़ा कचड़ा, हाय 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 घुस गया मैं, ये फुल ऑफ रोडिंग का मज़ा आ रहा है कि नहीं। अब ना यहाँ पे बता देता हूँ, कीचड़ में ना उस साइड से जाने की ज़रूरत नहीं है, चक्का हमारा गोल है ठीक है, अपना फ्लैट व्हील होता तो हम लोग संभाल लेते हैं, हम लोग सीधा जाएंगे। आ जाओ एकदम, पता नहीं मेरा कैमरा का बैटरी कब ड्रेन हो गया। इतना बढ़िया ऑफ रोड ट्रेल पे हम लोग चला रहे थे मस्ती करते करते, दो तीन वाटर क्रॉसिंग भी आए बट शूट नहीं हो पाया शायद। कोई नहीं, मैं चेक नहीं किया, मैं बैटरी चेंज कर लिया, अभी देखेंगे थोड़ा दूर जाके अच्छा रास्ता मिल गया तब। फिर वापस आने का मन करेगा ना इसे रास्ते में। भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया अपना आपको। वाह बढ़िया बढ़िया, पूरा एकदम जंगल जंगल के अंदर से जा रहे हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था ये काकराजोर जो एरिया है जहाँ से हम लोग अभी ऑफ रोडिंग ट्रेल्स कर रहे हैं, ये पूरा एरिया वो झारखंड का चांडिल डलमा जो पहाड़ी सब है वो सब पहाड़ी आके यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये वाला एरिया पूरा जंगल और ऐसे पहाड़ी वाला ही है, वेस्ट बंगाल का एकदम एक्सट्रीम वेस्ट कॉर्नर ही है, थोड़ा थोड़ा जंगल ट्रेल्स है जिस तरह से हम लोग अभी चला रहे हैं, पूरा डाउन था भाई, मज़ा आ रहा है लेकिन
दोनों गाड़ी बढ़िया चल रहा है, सुजुकी वी स्टॉर्म प्लस हिमालयन। इस सीज़न में जो मानसून का सीज़न है, इस समय पे हाथी सब ना नीचे चले आते हैं उड़ीसा में, तो हाथी का उतना टेंशन है नहीं अभी। बट विंटर्स में ये सब जगह पे अगर कैंपिंग करने का अगर मन किया तो नहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि फॉरेस्टर्स घूमते हैं, वो लोग हाथी का वार्निंग देते रहते हैं। थर्ड गियर पे खींच लिया, बढ़िया परफॉर्मेंस, एबीएस ऑफ में कर देता हूँ। मज़ेदार मज़ेदार। हाँ, आप पीछे का चक्का मैं लॉक कर सकता हूँ, कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा मेरे को। सैडलिंग करके ही सही रहता है ये सब रास्ते में, बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत होता है। अरे खींचो 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 पैर फुट पे कर, रबर नहीं खोला हूँ ना मैं, पैर स्लिप कर जा रहा है, गीला है ना जूता का नीचे। ओ भाई पूरा एड्रेनालिन रश एकदम, पूरा एड्रेनालिन रश एकदम, पूरा मज़ा आया। ऐसा फास्ट चलाए हो पहले ऑफ रोड ट्रेल पे? ऐसा तो नहीं चला है। और तुम है कॉन्फिडेंस मिला? तो गांव के अंदर से अभी जाके एक घर दिखा 5 किलोमीटर बाद। बढ़िया भाई बढ़िया, ये जगह को ना पिन करके रखता हूँ मैं मैप में। ये कहना कैंपिंग करा जाए ऐसे, बुझल तो जंगल में ऑफ रोड का मजा लेते लेते लग रहा है कि हम लोग कोई गलत रास्ते आ गए हैं। नहीं नहीं सारे रुके वहाँ सामने। हाँ रास्ता तो गुम हुई है, दूसरा रास्ता आगे कोई और, यही चाहिए था। हाँ अरे दारुण, ये हिमालयन था एकदम सामने, ये हिमालयन था एकदम पीछे। एक और गांव, मतलब कितना प्यारा प्यारा घर है देखो यार। दादा भी बढ़िया चला रहे एकदम मस्त, लोन रेंजर पहाड़ी के नीचे, छोटा छोटा पहाड़ी, ज़्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं है, लेकिन बहुत घना जंगल है, हाथ पैर छिल जाएगा अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो। चलो चलो हमारा लास्ट है ताकि। ये सब रास्ता डेवलप क्यों नहीं पता है, ये सब ना वेस्ट बंगाल झारखंड बॉर्डर बॉर्डर कौन बनाएगा क्यों बनाएगा ये सब का बहुत झमेला है यहाँ पे, इसीलिए ये सब जो है बना नहीं है अभी तक उतना। हेलो 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 एवरीवन, देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग ऑफ रोड करते करते, पूरा पहाड़ी के ऊपर ऊपर आ गए, एकदम घाटी है नीचे, मस्त वैली वैली है नीचे और हम लोग पहाड़ी के ऊपर से चला रहे, घाट रोड शुरू हो चुका है। ये बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे रोड ऊबर खाबड़ है, फिर कभी कभी ऐसा कंक्रीट वाला रास्ता मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला पा रहे क्योंकि पता नहीं सामने से क्या आ जाएगा, इसीलिए एकदम कंफर्टेबली राइड कर रहे हैं। ओ भाई एक और छोटा सा गांव कितना मस्त लग रहा है ना पूरा पहाड़ के नीचे, चला चलाते पहाड़ से नीचे उतर के भी वैली पे आ गए। देखो कितना मस्त है, पूरा मोटो जीपी का रेस चल रहा है ऐसा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे सब एक साथ सुला रहे हैं, सब एक साथ लीन कर रहे हैं, एक ही पूरा फोर्स में एकदम। हम लोग ऐसा राइड करते करते पता नहीं कब बंगाल छोड़ के झारखंड एंटर करके, कुछ बॉर्डर का डिमार्केशन भी नहीं था, मे भी जहाँ से रोड अच्छा हुआ वहाँ से झारखंड है नाइस। देखो लेक आ गया, बुरुडी लेक, एकदम बढ़िया लग रहा है, अचानक से पूरा एकदम ओपन वाटर दिखा ना, मजा आ गया। तो दाना दाना और आंसू के घंटे दाना, नाइस। पानी बहुत कम है लेकिन उतना उतना ऊपर ऊपर तक पानी रहता है नॉर्मली, इसमें बारिश उतना हुआ कहाँ है।
हम पूरा पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो गया, इसके बाद और पहाड़ी मिलेगा नहीं, पूरा प्लेन्स के ऊपर से ही चला के हम लोग जाएंगे। और हाईवे पे जाते जाते राइट साइड में उड़ीसा का पहाड़ थोड़ा बहुत दिखेगा। मौसम भी तूफानी हो गया, हम भी पहुंच गए हाईवे। हाँ लेफ्ट जाना है, 1 2 3 4 5 में 6 उधर 7, सब पेट्रोल पम्प भराने के भाग रहे। वहाँ कलकत्ता से जो चला के आए थे सब लोग कहीं पेट्रोल नहीं भराया था, हम लोग अच्छा हुआ कि तेल वेल फुल टैंक करके आए थे पूरा एकदम। चलो सबको ही रुक गया फ्यूल स्टॉक के लिए, सबको फुल टैंक कराना है, लेकिन मेरा अभी तो पेट्रोल है, ज़्यादा चला कहाँ है मेरा, कितना फ्यूल रेंज दिखा रहा है अभी। अरे दिखा रहे अभी 235 किलोमीटर जाएगा, हम लोग 100 भी नहीं चलाना है। ऐसा लग रहा है कि जब तक हम लोग ऑफ रोडिंग ट्रेल्स कर रहे थे उस वक्त ये सब एरिया में भयानक बारिश हुआ है, मतलब मौसम ठंडा हो गया यहाँ पे पूरा, वो गर्मी जो लग रहा था वो नहीं लग रहा है अभी। 33 डिग्री टेम्परेचर, 35 के नीचे रहे तो कंफर्टेबल होता है राइड करना, 35 के ऊपर जैसे हो जाता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट लगने लगता है।